الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره برادران اسلام मस्जिद अक्सा अहले हदीस के काबिल एहतराम जिम्मेदारान आप तमाम काबिल एहतराम बुजुर्गों नौजवान दोस्तों काबिल एहतराम माओ और बहनों अजीज साथियों हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम की शरह का सिलसिला पिछले हफ्तों से चल रहा है और हम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से उसकी तौफीक से इस्लाम के अरकान पर बातें कर चुके हैं। उसके बाद ईमान के अरकान का सिलसिला और उसकी शरह का सिलसिला आपके सामने शुरू किया गया था। इस सिलसिले में कुछ बातें बिल्कुल इब्तदाई आपके सामने हुई हैं, बकिया जो छः बातें ईमान के अरकान से मुतालिक हैं उनकी शरह का और उनकी मुख्तसर शरह का इंशाअल्लाह तबारक व तआला तज़किरा आपके सामने आज होगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में ईमान समझने की तौफीक अता फरमाए, ईमान के अरकान को समझने की और उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपना ईमान बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। ईमान का लफ्ज़ बहुत ही अजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा महबूब लफ्ज़ है, लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। ये मोहब्बत ईमान से, ईमान के लफ्ज़ से जो मोहब्बत होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, ये इल्म की बुनियाद पर होना चाहिए। यानी सही मानों में ईमान का माना समझें कि ईमान है क्या, तो सिर्फ और सिर्फ कोई आदमी मारे मोहब्बत के ईमान की रट्टी लगाए, बार बार ईमान के लफ्ज़ का वजीफा पढ़े, तो जाहिर है कि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। एक आदमी ईमान से जाहिरी लगाव जज्बाती बुनियाद पर रखे और ईमान का माना ही ना समझे, उसकी ज़िंदगी में सही मानों में तौहीद ना हो, शिर्क की मिलावट हो, बहुत कुछ अकीदे के बाद में खलल हो, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान के अलावा फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर, तकदीर पर ईमान के उसूल जाबते हैं वो ना समझे, लेकिन ईमान के लफ्ज़ से जज्बाती तौर पर बड़ी मोहब्बत करे, तो मेरे भाइयों जाहिर है कि इसका सही मानों में कोई हासिल नहीं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले जिस बात का हुक्म दिया है वो इसी बात का हुक्म है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इल्म सीखें। तो ईमान का इल्म हासिल करने की जरूरत और दुनिया के हर सब्जेक्ट को जैसे आदमी बड़ी मेहनतों से सीख करके हासिल करता है, इसके लिए बाकायदा निसाब है, उसके लिए पूरे तौर पर नुसूस हैं, पूरे तौर पर मुतून हैं, दलायल हैं, इस्तिदलाल हैं, हवाले हैं, शुबहात का इजाला है, सर तफसीलात मेरे किताबें लिखी गई हैं जिल्दों में अकीदे के बाद। और हम अगर ये समझें या मुसलमानों का कोई तबका या हमारे मुसलमान भाइयों में से कोई ये समझे कि अकीदा और ईमान कोई पढ़ने की चीज तो है, हर बंदा, हर मुसलमान को, हर मुसलमान का ईमान, हर ईमान वाले का ईमान सही है, जैसे भी वो ईमान रखता है वो ईमान वाला, तो ये चीज बड़ी खतरनाक हो जाएगी। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सही मानों में ईमान को वैसे सीखें और उसका इल्म हासिल करें जैसे अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है। आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और अल्लाह ने फरमाया फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह
वस्तगफिर लिज़म्बिक। आप जानिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो रहा है क्या, फअलम, आप अच्छी तरह से जानिए, इल्म हासिल, आपको मालूम हो, आपको इल्म हो, आपको जानकारी हो, आपको सही मानों में गहरी मारिफत हो, किस बात की, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा सच्चा इबादत के लायक कोई भी नहीं। आप कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद का इल्म हासिल करने का हुक्म दिया जाए तो किसी अदना उम्मती के बारे में क्या कहा जा सकता है मेरे भाइयों। आप तौहीद से बेएतनाई, ईमान का इल्म हासिल करने या ईमान को सीखने सिखाने की मजलिसों से बेतवज्जुही का मसला इतना बढ़ चुका है कि दुनिया के किसी मजमून पर गुफ्तगू होती है तो लोगों को दिलचस्पी होती, लेकिन अगर ईमान के मौजू पर गुफ्तगू हो, तौहीद के मौजू पर गुफ्तगू हो, तो फिर आदमी को उकताहट महसूस होती है कि क्या बार बार ईमान की बात होती है, क्या बार बार तौहीद की बात होती, बार बार तौहीद, बार बार तौहीद, बार बार तौहीद की बात करने की आखिर क्या जरूरत है। तौहीद किसको नहीं मालूम कि अल्लाह एक, किसको नहीं मालूम है कि ईमान किसे कहते हैं। इस तरह की बातें कह करके तौहीद बारी ताला का ईमान, तौहीद बारी ताला और ईमान का इल्म जो सारे उलूम की असास है, सारे उलूम की जड़ और बुनियाद। अब बताइए अगर इसी के इसी तौहीद और ईमान के इल्म के सिलसिले में मुसलमान की तवज्जो कम हो जाए तो फिर ये शैतानियत का वसवसा नहीं है तो क्या है, क्यों ऐसे, ये बात क्यों कही जा रही कि शैतानी वसवसा है। आदमी को इंसान फराइज, आदमी को इंसान को शैतान फराइज पर लगा दे, फराइज पर तवज्जो देने और फिक्र मंदी पर लगा दे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, फराइज से बढ़कर के क्या है, लेकिन फराइज से पहले सबसे बड़ा फर्ज क्या है, अल्लाह तबारक व तआला पर सही ईमान अकीदा होना चाहिए। अगर किसी आदमी का ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसके फराइज, उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके हज व ज़कात, उसके सदक़ात, ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब मदारिज के अंदर, मदारिजुस सालिकीन बैन मनाज़िल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नामी किताब के अंदर इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने शैतान के बहकाने की जो घाटियां होती हैं उनका तज़किरा फरमाया। उस तफसील में जाना नहीं, सिर्फ इतना समझना है कि शैतान इंसान को जो बहकाने की कोशिश करता है उस कोशिश में सबसे पहली कोशिश उसकी कौन सी होती है, नमाज से दूर कर दे, रोजे से दूर कर दे, है ना, ये कोशिश नहीं होती उसकी। ये कोशिश करके क्या फायदा है, ये कोशिश करके क्या फायदा, वो जानता है कि अगर इसमें कुछ कोताही मैंने करवा भी लिया लेकिन इसका अकीदा सही है तो भी ये कुछ ना कुछ सजा पाके जन्नत में चला जाए, है कि नहीं। इसलिए उसकी कोशिश क्या होती है, बंदे अल्लाह तबारक व तआला के बंदे का ईमान कैसे बिगाड़, उसकी तौहीद कैसे जाए, उसके अकीदे में शिर्क की मिलावट कैसे कर, कैसे वो अकीदा अपना ऐसा बना ले कि सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर के सामने करने के साथ अल्लाह तबारक व तआला के औलिया और सालिहीन के दरों पर भी सजदा करना शुरू, ताजीम के नाम पे करे, ताजीम के नाम पर भी करे तो क्या होगा, सजदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी के अलावा किसी और के लिए जवाब रवा हो जाए। अब वो खत्म हो गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने का जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था, सजदे ताजीमी का वो मसला खत्म हुआ। अब सजदा अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की, ला तस्जुदु लिश्शम्सि वला लिल्कमर, ना सूरज का सजदा करो ना चांद का सजदा करो, वस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन, उसी अल्लाह का सजदा करो जिसने इन तमाम चीजों को पैदा किया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकई इसी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले। आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से या तौहीद में खलल पैदा करने के लिए इबलीस की कोशिश सबसे पहले क्यों होती है, इसलिए कि वो जानता है कि यहां अगर मैंने इसको बहका लिया, मैंने इसे फुसला लिया, मैंने इसके अकीदे के अंदर खलल डाल दिया, मैंने इसकी तौहीद को बिगाड़ दिया,
तो फिर इसकी नमाजें, इसके रोजे, इसके सदका, सदकात, जकात, खैरात, नजर नियाज, कुर्बानियां, सारी नेकियां, सारे हसनात अल्लाह तबारक तआला के यहां जर्रे के बराबर भी नहीं, इसलिए वो कोशिश करता है। जब तक वो इसमें कोशिश कर सकता है करता है, जब उसमें उसे नाकामी लगती है कि मैं इसके अकीदे में खलल नहीं डाल सकूंगा, तो फिर वो थोड़ा सा नीचे वाले मरहले पर उतरता है और वहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, उसकी सुन्नत पर हमला करता है, उसको बिदात में डालने की कोशिश करता है। खैर, तो ये मसला बड़ा ही क्या है, अहम है, अकीदे का मसला। हमारे यहां बहुत सारे भाइयों ने ईमान और दीन से बड़ी मोहब्बत कर रखी है, दीन की बातें, ईमान की बातें हमारे भाई कहते तो हैं कि करते हैं, लेकिन शायद 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल का अरसा भी भाइयों के साथ लग चुका, गुजर चुका, लेकिन आज तक उन्हें ईमान का सही माना मालूम नहीं हो सका, तौहीद का सही माना उन्हें नहीं मालूम हो सका, वो नहीं जान सके कि रुबूबियत क्या है, उलूहियत क्या है, अस्मा व सिफात क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के अफआल की तौहीद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और किबरियाई का मकाम क्या है। मेरे भाई, आज भी गैरुल्लाह के बारे में ये अकीदा कि उसे इल्मे गैब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा कि आपको इल्मे गैब, औलिया के बारे में अकीदा कि इल्मे गैब, ये अकीदा की मदद दे सकते, ये अकीदा की रोजी मांगी जा सकती है, ये अकीदा की इस्तेआनत फरियाद तलब की जा सकती है, मदद मांगी जा सकती, ये अकीदा मुसलमानों के यहां मौजूद है कि नहीं मौजूद है। दीन की बात करने वाले, ईमान की बात करने वाले, यकीन की बात करने वाले कितने भाइयों के यहां भी ये अकीदे का फसाद बहुत यानी वाज़ह तौर पर मौजूद है। मेरे भाइयों, ये बहुत दर्द की बात है, बहुत कर्ब की बात, बहुत दुख की बात है कि इंसान उम्र का एक अच्छा खासा अरसा गुजार दे और ये ना सीखे कि सही मानों में ईमान क्या है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अकीदा नहीं मालूम होता, ईमान नहीं मालूम होता, ईमान के मसाइल नहीं मालूम होते, तौहीद की बारी क्या नहीं मालूम होती, उसकी जिद का पता नहीं होता, जिससे ईमान अकीदा जाए हो जाता है उसका पता नहीं होता, उम्र का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इस इल्म से बेइतनाई, इस इल्म पर तवज्जो नहीं है। नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, हज्जो जकात की पाबंदी, सदकात और खैरात की पाबंदी और उसकी तरकीब, उसके फजाइल पर काफी बात होती है। अगर बात नहीं होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद खालिस के अकीदे पर सही बात नहीं होती, इसकी वजह से अकीदा कभी दुरुस्त नहीं होता। और ये अमली मसला भी है मेरे भाइयों, ये कोई नजरियाती मसला नहीं है, अमली मसला है। ऐसे बहुत सारे मेरे भाइयों, मोहतरम भाइयों से मुलाकात हो चुकी है जिनसे इस सिलसिले में इस्तफसार किया गया, सराहत के साथ कहा कि हमने कभी अकीदा पढ़ाया ही नहीं है, हमें कभी तौहीद सिखाई ही नहीं गई, हमें तौहीद खालिस क्या है नहीं बताया गया, तौहीद खालिस के औसाफ, तौहीद खालिस के तकाजे क्या है नहीं बताया गया, तौहीद खालिस के अगेंस्ट और उसकी मुखालफत में जो चीजें होती हैं, शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है, मेरे भाइयों बिदात है, फिस्क है, इन तमाम चीजें जो अकीदे तौहीद के खिलाफ है, इन तमाम चीजों की मालूमात हमें कभी नहीं दी गई, इसलिए हमने कभी अकीदा नहीं सीखा, हमें नहीं मालूम पड़ा कि अकीदा क्या चीज है। तो पंज वक्ता नमाज में हाजिर होने वाला हमारा भाई, कुरान की तिलावत करने वाला हमारा भाई, दुआएं याद करने वाला हमारा भाई, मेरे भाइयों जिक्र अजकार की वज़ाइफ करने वाला हमारा भाई, मेहनत करने वाला, दौड़ धूप करने वाला, कोशिश करने वाला, इखलास के जज्बे के साथ सारी मेहनत करने वाला हमारा भाई, उम्र के अशरे, दूसरे अशरे, तीसरे अशरे में जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची तौहीद का इल्म हासिल नहीं कर पाता। अलमिया है कि नहीं है, ये ट्रेजडी है कि नहीं है ये उम्मत के साथ कि बरसा बरस तौहीद का इल्म ना हो, जबकि पहला काम इल्म के बाद में तौहीद का इल्म होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बताइए ईमान के बारे में, मल ईमान, ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो आखिरत का नाम पहले लिया, ना तकदीर का नाम पहले, ना किताब का, ना रसूल का, ना फरिश्तों का, सबसे पहले कौन सा नाम लिया? अन तुमिना बिल्ला, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ला। ईमान क्या है? ईमान अस्तस्दीक वल जज्म,
तस्दीक करना, दिल से यकीन करना, जबान से कहना, दिल से उस बात का यकीन करना, और जो कहा है, जो यकीन किया है दिल से, उसके मुताबिक जिंदगी भर अमल करना, इसका नाम ईमान। ये क्या है? ईमान। ईमान सिर्फ जबान से बोलने का नाम है, सिर्फ जबान से बोलेंगे, दिल में नहीं होगा तो निफाक बन जाए, ठीक है, क्या बन जाएगा? निफाक बन जाएगा। ऐसी तो था कि मुनाफिकों का मामला, अंदर कुछ है, जबान से सब बोल रहे हैं, कलिमा पढ़ रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं, लेकिन आते हैं नमाज में, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों, जबान से अमल से बहुत कुछ करे, लेकिन दिखावे के लिए करे, अंदर ना हो तो रियाकारी है कि नहीं? रियाकारी नमूद है, रियाकारी, इसका कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जबान से अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये कहना है, इसका माना अच्छी तरह से समझ करके दिल की गहराई में उसका यकीन करना है। यकीन अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, उसके बंदे। और फिर उसके बाद अब जब कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो ये एतराफ अब हमसे इस बात का डिमांड करता है कि अब जब तक जिस्म में जान है तब तक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीके को छोड़ करके दीन के नाम पर कोई काम नहीं करें, ठीक है। यह है माना अंतुमिना बिल्लाह का सरसरी माना। अब अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाने के तीन हिस्से हैं, तीन हैसियतों से अल्लाह तबारक तआला को एक मानना है। अल्लाह का यकीन करना है, अल्लाह पर अल्लाह की तस्दीक करना है, अल्लाह तबारक तआला पर ईमान रखना है। कैसे? तीन हैसियतों से अल्लाह तबारक तआला को एक मानना है। इस हैसियत से नंबर एक, इस हैसियत से कि अल्लाह तबारक तआला जो कुछ भी उसके काम हैं, जो कुछ भी उसके काम है, रोजी देना उसका काम है, बीमारी देना उसका काम है, दौलत देना उसका काम है, फकीरी देना उसका काम है, बारिश बरसाना उसका काम है, रिज़्क़ देना अल्लाह तबारक तआला का काम है कि नहीं, रोशनी देना अंधेरा वगैरह वगैरह बेशुमार चीजें है कि नहीं, तो अल्लाह तबारक तआला के जितने काम है वो काम सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के लिए लायक है, उन कामों में अल्लाह के सिवा कोई साझीदार नहीं। रोजी अल्लाह देता है तो अल्लाह ही दे सकता है, अल्लाह के सिवा कोई रोजी नहीं दे सकता। औलाद अल्लाह देता है तो अल्लाह के सिवा कोई औलाद नहीं दे सकता। बारिश अल्लाह बरसाता है तो अल्लाह के सिवा कोई बारिश नहीं बरसा सकता। आसमान और जमीन की पैदाइश अल्लाह ने की है तो अल्लाह ही खालिक है, कोई और तखलीक नहीं कर सकता। हमारा आपका वजूद करने वाला अल्लाह तबारक तआला है तो अल्लाह तआला ही उसका हकदार है। ये ताकत, ये कुव्वत, ये इख्तियार तसर्रुफ किसी के पास, तो अल्लाह ताला के अफ़ाल में, अल्लाह के कामों में अल्लाह तबारक तआला को अकेला तस्लीम करना, ये रुबूबियत, यानी बहैसियत रब, बहैसियत पालनहार, बहैसियत निगरानी करने वाला, बहैसियत देखरेख करने वाला, बहैसियत संभालने वाला सिर्फ सिर्फ कौन है? अल्लाह तबारक तआला अकेला है। अल्लाह के इन खूबियों में, अल्लाह की इन सिफात में कोई भी शरीक नहीं है। तो हो गई बात, इसको कहते हैं अल्लाह तबारक तआला के अफ़ाल में अकेला मानना, इसी का नाम रुबूबियत। दूसरी चीज क्या है मेरे भाइयों? बंदों के अफ़ाल में अल्लाह तबारक तआला को एक मानना। बंदे जो कुछ भी इबादत के नाम पर अल्लाह के लिए करेंगे, जो इस कुरान के अंदर है, जो सुन्नत के अंदर है, इसमें आई हुई इबादत की चीजें, इबादत के काम, मरासिम बड़े छोटे, इन तमाम कामों को जो कुरान और सुन्नत के अंदर आए हुए हैं, ये बंदों के काम हैं, बंदों के ये काम सिर्फ और सिर्फ इसका हकदार कौन है? तो अल्लाह ताला के अफ़ाल में अल्लाह को एक मानना, बहैसियत रब अल्लाह को अकेला तस्लीम करना, और अल्लाह तबारक तआला के बंदों के कामों में अल्लाह तबारक तआला को अकेला मानना कि इन कामों का हकदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह तबारक तआला है। इसी को तौहीद उलूहियत इलाहियत उबूदियत इबादत का नाम दिया जाता है। तौहीद है कौन सी? एक माना अल्लाह को इबादत के अंदर,
अब वो चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे जो जकात हो, चाहे नजर न्याज हो, चाहे कुर्बानी हो, चाहे वो दिल की इबादत हो, चाहे वो आजा और जवारे की इबादत हो, सारी की सारी इबादतें, चाहे खौफ हो, चाहे उम्मीद हो, चाहे खशियत हो, चाहे इस्तियानत हो, चाहे इस्तिगासा हो, चाहे इस्तियाजा हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ उसका हकदार कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। ये है रुबूबियत के बाद उलूहियत में या इलाहियत में अल्लाह तबारक व तआला को अकेला तस्लीम करना। तीसरी चीज क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह तबारक व तआला के जितने नाम कुरान में आए हैं, जितनी सिफतें कुरान में आई हैं, जितने नाम और सिफात सुन्नत में आए हुए हैं, इन तमाम का हकदार तन्हा अकेला अल्लाह तबारक व तआला को मानना। रज़्ज़ाक सिर्फ अल्लाह है, अल करीम सिर्फ अल्लाह है, अल गफ्फार सिर्फ अल्लाह है, अल कहार सिर्फ अल्लाह है, अल जब्बार सिर्फ अल्लाह है, अल आला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का कोई साजी और शरीक ये है ना। अल्लाह ताला के नामों में से किसी नाम को कम किया जा सकता है, ना अल्लाह ताला के नामों और सिफात में से किसी सिफत को या किसी नाम को अल्लाह के मां सिवा किसी को दिया जा सकता है। दोनों जुल्म है, दोनों ज्यादती है और उसकी कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, यहां पर एक बात और करके बात आगे बढ़ाओ। इन तमाम चीजों के दलायल मौजूद हैं, तमाम चीजों के दलायल भरपूर हैं कुरान करीम के अंदर। बास सूरतें तो बिल्कुल खास हैं उलूहियत के दलायल के लिए, रुबूबियत के दलायल के लिए, अस्मा सिफात के दलायल के लिए, लेकिन उन तफसीलात में जाना नहीं है मेरे भाइयों। हमें बहुत मुख्तसर तौर पर आगे बढ़ना है। एक बात सिर्फ जिक्र करना है, ये जो तीन हैसियत तौहीद की तीन किस्में जो कहा जाता है ना, इसमें गलत फहमी का लोग शिकार हो जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग गलत फहमी पैदा करना शुरू कर देते हैं, गलत फहमी पैदा करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि एक तरफ आप लोग तौहीद कह रहे हैं और एक तरफ आप उसकी तीन किस्में बना रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक तरफ आप कहते हैं तौहीद यानी अल्लाह को एक मान, वननेस, और एक तरफ आप कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद की तीन किस्में। तो ये तौहीद कहां रह गई? तस्नीस हो गई, ट्रिनिटी हो गई। ये नया फितना नहीं है, पुराना है, लेकिन थोड़ा आजकल ज्यादा चल रहा है, पिछले है ना 25-30 सालों 40 सालों के बीच में काफी बढ़ गया है। तो ये एक शुबा है, एक बड़ा डाउट है, तो इससे थोड़ा सा गुजर जाते हैं। दूसरा एक मसला ये भी है कि लोग कहते हैं कि ये तकसीम जो है ना तौहीद की, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफात, इसका कोई अता पता था नहीं दीन के अंदर। सबसे पहले ये बात इस्लामी तारीख में जिसने शुरू की है वो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह है। उनसे पहले दुनिया में किसी ने तौहीद की तीन किस्में बयान नहीं की। अब इसका भी राज, इसकी भी हकीकत जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बात आप कहते हैं तो फिर अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत सारे इल्जाम जो हमेशा अहले बिदात, अहले शिर्क, अहले बातिल लगाते रहते हैं, उनमें से एक ये चीज भी साबित हो जाए। ऐसी बात नहीं है। पहली वाली बात समझ लेते हैं। देखें, जो अल्लाह तबारक तआला की तौहीद की जो तीन किस्में हैं, उसे हमने शुरू में ही इसलिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया था, अल्लाह तबारक तआला को अकेला तस्लीम करना है, अकेला मानना है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला को अकेला किस किस हैसियत से मानना है? किस किस हैसियत से अल्लाह को एक मानना? इस हैसियत से अल्लाह को एक मानना है कि अल्लाह तबारक तआला के जितने अफाल हैं वो उसी के हैं, उसमें वो अकेला। नंबर दो, इस हैसियत से अल्लाह को अकेला मानना है कि बंदों के जितने अफाल हैं, इबादत के काम, उन सबका अकेला मुस्तहिक अल्लाह तबारक व तआला है, उसमें अल्लाह ताला के सिवा कोई साजी नहीं है। इस हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला को अकेला मानना है कि जितने नाम, जितने सिफात कुरान और सुन्नत के अंदर आए हुए हैं, उनका हकदार अकेला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, वो किसी और के लिए लायक और जेबा। तो बात समझ में आ गई ना, तकसीम का माना क्या है? तौहीद की तीन किस्मों का माना यह है कि अल्लाह तबारक तआला को अकेला मानने की कितनी किस्म है। इस किस्म से अल्लाह को एक मानना है, रुबूबियत की तरफ से, नंबर दो उलूहियत की तरफ से, नंबर तीन अस्मा और सिफात की हैसियत से। इन तीन हैसियत से अल्लाह तबारक तआला को एक मानना है। तुम अल्लाह तआला को एक ही मान रहे हैं, बस तीन हैसियतों से अल्लाह को एक मानना चाहिए, इसलिए हम अल्लाह तबारक तआला को एक मान रहे हैं। तो तकसीम ये तस्लीस नहीं है कि अल्लाह तआला को हम तीन मान रहे हैं, अल्लाह को अकेला साबित कर रहे हैं उसके खालिक व मालिक होने के एतबार से, अल्लाह को अकेला साबित कर रहे हैं इबादत के हकदार होने के एतबार से, अल्लाह को अकेला साबित कर रहे हैं अल्लाह ताला के नामों और उसके औसाफ के एतबार से।
ये माना है, इसलिए तकसीम से कोई धोखा ना दे। इसीलिए हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक बिन अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद अल बद्र हफिज़हुल्लाह की एक किताब है इस मौजू पर, एक रिसाला ही है, बहुत पहले उन्होंने लिखा था, अल क़ौलु सदीद फी मन अनकर तकसीम तौहीद, जो तौहीद की तकसीम का इनकार करता है उसके रद में ये किताब लिखी गई। अच्छा, अब ये सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या कुरान की किसी आयत में कहा गया है कि तौहीद की तीन किस्में, हदीस में बताया गया कि तौहीद की तीन किस्में, क्या अल्लाह के नबी के सहाबा ने ताबीन ने किसी ने कहा कि तौहीद की तीन किस्में हैं? मेरे भाइयों, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कुरान में कि अकीदे की तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद लहू सलासत तकसाम तीन किस्में, ऐसा तो कुरान में ना हदीस, समझ रहे हैं? लेकिन कहां है ये? कुरान में है, एक जगह नहीं है, जा बजा हर जगह है, हर जगह है, लेकिन ऐसे अलग से लिखा नहीं हुआ तीन किस्में हैं। आयतों को पढ़ो तो तीन किस्में दिखाई दे रही, झलक रही। एक आयत पढ़ो तीनों किस्में नजर आ रही, दूसरी आयत तीनों किस्में, तीसरी आयत तीनों किस्में, उसके बाद कोई आयत पढ़ो एक किस्म मिल रही है, दूसरी आयत पढ़ो उसमें दूसरी किस्म, तीसरी आयत पढ़ो तीसरी किस्म मिल रही, ऐसे एक दो नहीं बल्कि कुरान करीम के बेशुमार आयतों में पढ़ने से इसको क्या कहते हैं? इस्तिकरा, यानी तलाश करके पढ़ने और तलाश करने से खुला खुला दिखाई दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को एक मानने की तीन हैसियतें, रब की हैसियत से, माबूद की हैसियत से, और अस्मा सिफात के हकदार होने की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला को एक तस्लीम करना है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान करीम की पहली आयत करीमा शुरू करो, आपको सब मिल जाएगा इसी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से। अच्छा, यहां भी लोग झगड़ा कर लेते, लोग कहते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू कहना चाहिए क्योंकि अल्लाह सबसे पहले, तो शुरू अल्लाह के नाम से अगर कह देंगे तो शुरू पहले हो जाए। ये सब मूंछगाफी है, बाल की खाल है, बिलावजे की बात, यहां लटते रहते हैं कि पहले शुरू कहें कि पहले अल्लाह कहें, और अमली जिंदगी में देखा जाता है तो अकीदे का कोई सही पता लगता भी नहीं। अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह में बा पहले क्यों लाता, इस्म क्यों पहले लाता, अल्लाह ही पहले जिक्र करता कि नहीं करता? ये अल्लाह ने खुद नहीं अल्लाह को पहले जिक्र किया है कलमे अल्लाह को, लफ्ज़ुल जलाला को, तो फिर ये जिद करने की क्या जरूरत है कि पहले अल्लाह के नाम से शुरू करो? भाई वो अकीदा है कि लफ्ज पे झगड़ा करना है। इसलिए ये अजीबोगरीब बात है। बात में ये कह रहा था आपसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप देखिए तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का लफ्ज आया हुआ कि नहीं आया हुआ? ये अल्लाह क्या है? अल्लाह अल इलाह अल मालूह के माने में है, माबूद के माने में, माबूद के माने में है, इलाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह है। अलिफ लाम के साथ इलाह से बना हुआ है। अलह याह के माने होते हैं आबद याबुदू, और अल्लाह के माने होते हैं अल मालूहुल हक, सच्चा इबादत के काबिल। देखिए बिस्मिल्लाह के अंदर मौजूद पहला बिस्म के बाद पहला अल्लाह तबारक तआला का नाम, और ये अल्लाह का वो नाम है जो अल्लाह तआला का जाती नाम है, अल्लाह तआला का जाती नाम है। तमाम अस्मा अल्लाह तबारक तआला के और तमाम सिफात इसी अल्लाह के नाम की तरफ पलटते हैं। रहमान कौन है? अल्लाह। रज्जाक कौन है? अल्लाह। गफ्फार कौन है? अल्लाह। बात समझ में आ गई कि नहीं? सलाम कौन है? अल्लाह। मोमिन कौन है? अल्लाह। मुहैमिन कौन है? अल्लाह। अजीज कौन है? अल्लाह। जब्बार कौन है? अल्लाह। मुतकब्बिर कौन है? अल्लाह। तो ये नहीं कहा जाएगा कि मुतकब्बिर अल्लाह, बल्कि क्या कहा जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क्या है? अल जब्बार, अल कहार, अल मुतकब्बिर, अल अजीज, अल गफ्फार, अल गफूर, अल करीम। ठीक है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का जाती नाम, बकिया सब के सब क्या है? सिफाती नाम है। अच्छा जनाब, उसके बाद हमें यह समझना है कि बिस्मिल्लाह के अंदर आगे बढ़ेंगे तो अर रहमान क्या कहेंगे भाई? अर रहमान अर रहीम, ये दो अल्लाह तबारक व तआला के नाम है, ये नाम है। अर रहमान और रहीम क्या है? ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला के नाम है लेकिन सिफाती नाम है, असल नाम गुजर गया और ये क्या है? सिफाती नाम है। इसके अंदर सिफत भी क्या है? रहमान के अंदर रहमत की सिफत है और रहीम के अंदर भी रहमत की सिफत है। रहमान के अंदर जो सिफत रहमत है वो रहमानियत है, जो सारे बंदों चरिन परिन कीड़े मकोड़े हैवानात जब सब के अंदर जो रहमत और शफकत मोहब्बत पाई जाती है वो इसी रहमानियत की देन।
भाई सारे जानवर सारे कीड़े मकूड़े अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? वो मोहब्बत कहां से आई, वो रहमत कहां से आई है मां के दिल में, बाप के दिल में? जानवरों को देखते हैं कि नहीं, हैवाना तो कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं कि नहीं देखते? कैसी मोहब्बत करते हैं वो अपने बच्चों से, ये रहमत कहां से आई? रहमानियत का हिस्सा। अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात में रहमत के जज्बे को डाल दिया, ये अल्लाह ताला की रहमानियत है। और रहीमियत के अंदर भी रहमत ही का सिफत है, की सिफत है, लेकिन रहीमियत क्या है? ये रहीमियत खास रहमत है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने ईमान वाले बंदों पर फरमाता है, क्योंकि वो कुफार पर भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह उनको खाने के लिए दे रहा है, उनको दौलत है, उनके पास मालो जायदाद है कि नहीं? दुनिया की आशाइश है, कुफार मुशरिकीन यहूद नसारा सबके पास है कि नहीं है? ये भी अल्लाह की रहमत से, लेकिन रहमानियत से है वो। लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला वो रहीमियत वाली रहमत भी करेगा इनके ऊपर? अगर ये ईमान के साथ दुनिया से गए तब तो ठीक है, लेकिन कुफर की हालत में गए तो रहीमियत नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो रहमत ईमान के साथ जुड़ी हुई है। वकान बिल मुमिनीन रहीमा, वकान बिल मुमिनीन रहीमा, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों पर रहीम है। रहमान तो पहले से ही है उनके ऊपर, लेकिन रहीम है ईमान वालों के साथ। तो अब कुफार मुशरिकीन को रहमानियत वाली रहमत तो मिली है, लेकिन रहीमियत वाली रहमत नहीं मिलेगी अगर वो कुफर की हालत में दुनिया से गए तो। जन्नत की नेमत तो अल्लाह तबारक व तआला की रहीमियत का हिस्सा है जो उसे हासिल नहीं हो सकती जब तक कि वो ईमान के साथ दुनिया से न जाए। हो गई बात, इसके दूसरी बात आगे कि नहीं आगे? अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत और अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा और सिफात। उसके बाद जैसे अब शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको यहां तीनों मिल जाए, इसके अंदर आपको सब मिल जाए। अल्हम अल्लाह तबारक व तआला की सिफत हमद है भाई, है कि नहीं? और उसके बाद लिल्लाह में उलूहियत है, रब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत है, अल आलमीन सारे जहानों का रब है, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत सारी दुनिया के अंदर फैली हुई, जितनी भी दुनिया है जितने भी जहान है, दुनिया एक है लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी दुनिया है, आलम एक है लेकिन आलम के अंदर बहुत सारे आलम, या आलमीन जो कहा वो अल्लाह तबारक उतारण इसी एतबार से कहा है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे आलम, एक इंसानों की एक अलग दुनिया है, जिन्नातों की अलग दुनिया है, फरिश्तों की अलग दुनिया है, हैवानात की अलग दुनिया है, चरिंद की परिंद की अलग दुनिया है कि नहीं? जमादात की अलग दुनिया, पहाड़ों की दरियाओं की अलग दुनिया, फिजाओं की हवाओं की अलग दुनिया। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, रब्बुल आलमीन सारे जहानों का परवरदिगार है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी आयतें मेरे भाइयों भरी पड़ी हैं, लेकिन आप सोचें कि आखिर तौहीद बारी तआला ईमान बिल्लाह वाला मसला आखिर को क्यों लोग मतलब एक दहा दूसरा दहाई तीसरी दहाई चौथी दहाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इल्म उन्हें नहीं होता, इसलिए कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और ईमान के अबवाब बताए नहीं जाते। सबसे बड़ा मसला यह है मेरे भाइयों कि अकीदे तौहीद को पढ़े तो कैसे पढ़े, ईमान की बातें पढ़े तो कैसे पढ़े? फजाइल ठीक है, जन्नत मिलेगी, फजाइल ठीक है, अल्लाह की मगफिरत मिलेगी, फजाइल ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान अता फरमाएगा, फजाइल ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के लिए सिफारिश इजाजत अता फरमाए, ये सब फजाइल में है, मगफिरत रहमत जन्नत है कि नहीं, अल्लाह के फजाइल में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तौहीद है कौन सी, वो ईमान है कौन सा खारिज जिसकी ये फजीलत है? सबसे बड़ा मसला है मेरे, सबसे बड़ा मसला है। आप बताइए कि क्या मसाइल के पहले फजाइल का कोई फायदा हो सकता है? पहले मसाइल का इल्म होना चाहिए, फजाइल का इल्म बात आयत करीमा पर गौर करके देखो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक, आप इल्म हासिल कीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं है, वस्तगफिर लिज़म्बिक और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, वलिल मुमिनीन वल मुमिनात और ईमान वाले इस्लाम मोमिन मर्दों के लिए मोमिन औरतों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश का सवाल कीजिए। ठीक है, बख्शिश का सवाल किसके लिए होगा? ईमान वालों के लिए, ईमान वालियों के लिए। ये मगफिरत सिला है कि नहीं सिला है?
ये बख्शिश तौहीद की ईमान की फजीलत है कि नहीं फजीलत है कि ईमान की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला बख्शेगा, ईमान की बुनियाद पर अल्लाह मगफिरत फरमाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि मगफिरत की बात करने का क्या फायदा जब सही अकीदे की बात हम ना करते। मैं ये कह रहा था कि अकीदे की बात कैसे कोई करेगा जब यह अकीदा बना रखा हो कि अकीदे की बात करने से इंतिशार पैदा होता है। माफ करना मुझे, ये बड़ा अजीबोगरीब मसला है। आज भी लोग, भला बताओ कि आज दुनिया में, मतलब अमूमी तौर पर, कोई इंफिरादी तौर पर हो सकता है कोई फर्द ना जानता हो, है ना, तौहीद का अकीदा क्या है, ईमान का अकीदा क्या है, अहले हदीसियत क्या है और तकलीद क्या है, फला फिरका क्या है, फला फिरका क्या है, कोई हो सकता है ना जानता हो, लेकिन अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में क्या दुनिया वाले नहीं जानते हैं कितने फिरके हैं, कितने अफकार हैं, कितनी टोलियां हैं, कितने नजरियात हैं, जानते कि नहीं जानते? आज भी लोग, उसके बावजूद भी आज भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई तौहीद की बात मत करो, तौहीद की बात, तौहीद का चैप्टर और तौहीद के मौजू पर बात करते हो तो लोगों में इंतिशार पैदा होता है, लोग नफरत करते हैं, लोगों में मतलब फिरकाबंदी पैदा होती, जुदाई की पैदा होती, वो कतराता है भाई, वो बोलता है यार आप लोग हमारे अकीदे के खिलाफ बात करते हैं इसलिए बाहर निकल जाता है, वो कहता है आप लोग हमारे अकीदे के खिलाफ बात करते हैं इसलिए बाहर निकल जाता है, इसलिए अकीदे की बात मत करो, जोड़ने वाली बात, जोड़ने वाली बात, तो ऐसी बातें करो जिससे नफरत दूरी पैदा ना हो। मेरे भाइयों, अगर उसकी बदअकीदगी के साथ अगर आप दूध और शीरो शकर जिसको कहते हैं, यानी शकर और दूध की तरह भी अगर आप मिल करके एक हो जाएंगे ना, तो आप उनके कुछ काम ना आ सकेंगे, वो आपके कुछ काम ना आ सकेगा। इसलिए जोड़ने की बुनियाद अल्लाह तबारक तआला की तौहीद, जोड़ने की असास अल्लाह तबारक तआला की तौहीद है। जोड़ने का मतलब ही यही होता है कि आप भी उसी अकीदे तौहीद पर आ जाए जिस अकीदे तौहीद पर मैं भी उसी अकीदे तौहीद पर आ जाऊं जिस अकीदे तौहीद पर आप हैं, अल्लाह तबारक तआला की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक सच्ची तौहीद पर, जिस पर आप हैं उसी तौहीद पर मैं, जिस पर मैं उसी तौहीद पर आप, सब एक तौहीद के अकीदे पर आ जाए जो अल्लाह की किताब में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, तब जा करके तालमेल बैठेगा, अकीदे के फसाद के होते हुए कभी इत्तिफाक पैदा नहीं हो सकता। आपको ये बताऊं, सब जानते हैं, खाली याद दिलाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई नबी बनाए जाने से बहुत पहले जवानी की शुरुआत थी, तभी से लेकर के मतलब बहुत सारी निशानियां सीरत के अंदर तो बचपन से ही दिखाई देती हैं, लेकिन अरब के उस समाज में, कुरैश के दरमियान, मक्का शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोग सादिक अमीन कहते थे कि नहीं कहते, सच्चा है, अमानतदार है, अच्छा है, किसी का झगड़ा है तो मोहम्मद को बुला के ले आओ, वो फैसला कर देगा, किसी के दरमियान तालमेल नहीं हो रहा है तो वो इत्तेहाद तालमेल पैदा करवा देगा, कोई भी पंचायत है, कोई भी झगड़ा है, मांडोली कराना है, आपस में मुसालहत कराना है, मोहम्मद को बुला करके लेकर के आओ, बड़ा सच्चा आदमी है, उसकी बात का इनकार कोई, सब मानते थे कि नहीं मानते थे? अरे भाई, मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से सिर्फ 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 साल पहले खाने काबा को आग लग गई, उसकी दीवारें फट गई, इमारत कमजोर हो गई, मक्के वालों ने फैसला किया, अरब के लोगों ने, कुरैश के लोगों ने, कि भाई अल्लाह के घर खाने काबा को फिर से नए सिरे से तामीर करना जरूरी है, इसकी दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं और मतलब कमजोर है, इमारत कभी भी ढह सकती है, और उसके अलावा बहुत कुछ चीजें खाने काबा के अंदर रखी हुई हैं, उसके अंदर कुछ लोग दाखिल होकर के चुरा भी लेते हैं, तो तहफुज भी होना चाहिए, इसलिए लोगों ने फैसला किया कि हम लोग नए सिरे से खाने काबा को तामीर करेंगे। सारी तफसीलात से बचते हुए खुलासा ये है कि खाने काबा की जब तामीर का मसला उन लोगों ने शुरू किया तो ये तय किया था कि इसमें कोई भी हराम का माल इस्तेमाल नहीं करेगा। जाहिलियत के लोग हराम कमाई का इस्तेमाल करने से बचते थे अल्लाह के घर में। आज इस्लाम के नाम लेवाओं की शिकायतें मिलती हैं कि अल्लाह के घर के अंदर हराम कमाई मिला देता है ताकि वो सफेद हो जाए, ये सूरत हाल बनती जा रही।
आप बताइए। खैर, बात असल में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर जब मुकम्मल हो गई, हजरे अस्वद को जगह पर लगाने का मसला आया। वाकया सब जानते हैं ना, किसको बुलाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झगड़ा हुआ कौन उठा के रखेगा, कौन लगाएगा, ये तो बड़ी सादत की बात है, वो कबीला कहे मैं, वो कहे मैं, झगड़ा खत्म नहीं होगा। मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी बाद में बनाए गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी झगड़ा करो मत, सुबह कल जो सबसे पहले आएगा उसका फैसला माना जाएगा, वो जैसे कहेगा मान लेंगे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले पहुंच गए। आपने फरमाया मैं बताता हूं कैसे मसले को हल किया। चादर मंगाई, कहा चादर लाओ, चादर पर उठा करके हजरे अस्वद को रख दिया, और उसके बाद सारे कबीले वालों से कहा सब लोग चादर को पकड़ लो, हर आदमी एक एक हाथ लगा ले कबीले का, और उसके बाद उसको ला करके खाने काबा के कोने पर रख दो जहां लगाना है। और वहां जब ला करके रख दिया गया तो आपने अपने हाथ से उठाया और जगह पर लगा दी। कितना एतबार था भाई। और 5 साल के बाद जैसे सच्चा इबादत के काबिल नहीं है, कामयाब हो जाओगे, लोगों ने कहा पागल है, मजनून है, शायर है, काहिन है, गाली देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। वो अमानतदार आदमी था, सच्चा आदमी था, तो क्या झूठ बोलने लगा? आज भी अमानतदार था वो, वहां नहीं इख्तलाफ, मशवरा करने के लिए, पंचायत करने के लिए, झगड़ा छुड़ाने के लिए, सुलह कराने के लिए आज भी मोहम्मद को बुलाया जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपकी तौहीद की दावत उन्हें मंजूर। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाली बात जो आप बोलते हैं ना कि बाप दादा का दीन छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, ना लात की इबादत करो, ना मनात की इबादत करो, ना उज्जा की इबादत करो, ये हमारी समझ से बाहर है। ये आप कहेंगे तो पागल माने जाएंगे, या कहेंगे तो शायर, या कहेंगे तो काहिन, या कहेंगे तो मजनून। अजीब हाल, एक आदमी जिंदगी भर देखा है कि अमानतदार है, आज वो कैसे झूठा हो सकता है? तो अकीदे के बाद जब अकीदे तौहीद की बात लाओगे तब झगड़ा ही शुरू होगा। बकिया सब में तो इत्तेफाक पहले से है भाई, बकिया तमाम चीजों में कौन सा झगड़ा है, सब तो एक जगह इकट्ठा ही हो जाते हैं। सारा इख्तलाफ कहां हो जाता है? सारा झगड़ा तौहीद के बारे में होता है। अब तौहीद ही को किनारे कर दोगे तो एक कब बनोगे? उसका अकीदा अलग, उसका अकीदा अलग, उसका अकीदा अलग, उसका अकीदा अलग। सब लोगों ने बुजुर्गों को औलिया बांट रखा है, आप अल्लाह की तौहीद के आलमबरदार बने हुए हैं तो आप कोई बात कौन मानेगा? इसलिए हमारा काम क्या है कि हम समझें, ये रवादारी नहीं है, ये किसी के साथ एहसान नहीं है, याद रखो। अगर हम कहें कि ठीक है अकीदे के मामले में, ईमान के मामले में, तौहीद के मामले में इसको नफरत है तो जाने दो, तौहीद की बात नहीं करते हैं, क्या जरूरत है इंतजार पैदा करने की? तो फिर नबी को क्या जरूरत थी जंगे बद्र उहुद करने की? क्या जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला के उन बंदों को, अपनी बीवियों को बीवियों को बेवा करने की क्या जरूरत थी? बच्चों को यतीम करने की क्या जरूरत है? सर कटाने की क्या जरूरत है? छोड़ देते, सारा मसला हल हो जाता, जैसे था वैसे रहता, लेकिन झगड़ा ही इसी बात का था। झगड़ा किस बात का था? झगड़ा इसी बात का था कि अल्लाह तबारक व ताला के दर को छोड़ करके वो लात मनात उज्जा के सामने सर झुकाया करते थे। इसलिए अकीदे का मसला बड़ा पेचीदा है। हमने सोचा था कि बकिया अरकान पर भी लंबी बात करके हम सरसरी बात करके सारे अरकान से गुजरेंगे, लेकिन मेरे भाइयों ये मसला अकीदे का है, मसला तौहीद का है, इस पर बात होनी जरूरी है, इसे सरसरी नहीं गुजारा जा सकता। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तौहीद की दावत दी है तो हम आधे घंटे भी बात न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में सिर्फ तौहीद की दावत दी, और अगर हम 15-20 मिनट भी बात न करें तो क्या हक अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की? मेरे भाई ये मौजू ऐसा है, इस मौजू से आपको कोई भी हटाने की कोशिश करे, कोई भी हीला लाए, बहाना लाए, मसलहत लाए, है ना, और कहे कि नहीं मुनासिब है, ये मुनासिब है, उससे कहो कि अल्लाह की तौहीद के सिवा कुछ मुनासिब नहीं है। हर चीज में आपकी अच्छाइयां पैदा हो जाएं। आपका अकीदा अगर शिर्क का है तो फिर आपको जन्नत में कोई ताकत नहीं ले जा सकती।
और हमें बर्दाश्त नहीं है कि हम तो जन्नत में जाएं और हमारे भाई जहन्नम की आग में जलाए जाएं। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही इम्तियाज है जमात अहलुल हदीस का, यही इम्तियाज है सलफियों का कि वो सबसे पहले अपनी दावत में तौहीद को पेश करते हैं। नमाज अल्लाह के नबी की मेराज है, आपकी आंखों की ठंडक है, सब ठीक है, लेकिन ये ठंडक उस वक्त जब तौहीद नमाज से पहले हो। इसलिए नमाज भी बाद में, रोजा हज ज़कात सदक़ात खैरात सब बाद में, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद सबसे पहले। अव्वला मा तदउहुम इलैही शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले जिस बात की दावत होगी वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत होगी। इसलिए जितने फिरके, जितनी टोलियां, जितने धड़े, जितनी जमातें इस्लाम के नाम लेवाओं की पाई जाती हैं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें होशमंदी की तौफीक अता फरमाए। उनके बड़ों को, उनके पेशवाओं को, उनके उलमा को, उनके जिम्मेदारों को अल्लाह तबारक व तआला होशमंदी की तौफीक दे कि वो दुनिया के सारे मौजूआत से पहले तौहीद का मौजू लाए। तौहीद सबसे पहले होना चाहिए, तौहीद अव्वलन यदुआतल इस्लाम, इस्लाम के दाइयों तौहीद सबसे पहले होनी चाहिए। नमाज बाद में, जकात बाद में, रोजा बाद में, हज जकात और उम्र सब बाद, अल्लाह तबारक तआला की तौहीद सबसे पहले। अगर मर जाए उसी तौहीद का अकीदा पाते ही, एक सजदा भी ना करे तो जन्नत मिले, और अगर नमाज रोजे का पहाड़ खड़ा कर दे और अकीदा सही ना हो तो भी कहां जाए, जहन्नम में जाए। है कि नहीं खतरनाक मसला? खतरनाक मसला है ये, बहुत खतरनाक मसला है। इसकी अहमियत को, इसकी संगीनी को अगर नहीं समझा गया तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के बगैर कौमों का, मिल्लतों का जो हश्र हुआ है उससे मुख्तलिफ हश्र हमारा नहीं होगा, हमारा हश्र भी वही होगा। इसलिए कि इतना रोना, इतना बिलबिलाना, इतना गिरिया करना जिल्लत है, पसपाई है, पस्ती है, मारा जाना, काटा जाना, जलील किया जाना, इतना रोना रोना है कि नहीं है? लेकिन सबब क्या है वो हम कभी गौर नहीं करते। इससे पहले हमने कहीं बात की है कि आज लोग तजिया करने के लिए बैठते हैं तो बड़े अलग अलग अंदाज के तजिये करते हैं। कोई कहते हैं मुसलमानों की पसमादगी का, मुसलमानों की पसपाई का सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों के पास सियासी कुव्वत नहीं है। इनका कोई एमपी नहीं पहुंच पाता, इनका कोई मिनिस्टर नहीं बन पाता, इनका कोई सीएम पीएम नहीं बन पाता, तो कहां से इनको इज्जत मिलेगी? यानी लोगों ने क्या समझा हुआ है, इस्लाम को और मुसलमानों की इज्जत सियासत और इख्तदार से मिलेगी। कुछ लोगों ने यह समझा हुआ है कि मुसलमानों के पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन आईपीएस वाले नहीं है, है कि नहीं, यूपीएस वाले, इस तरह बड़ी बड़ी डिग्रिया वाले मुसलमानों के पास नहीं है, इसलिए मुसलमान पसमादा है, जलील है, अखीर है। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि हम क्या करें, इख्तदार में, सियासत में आगे बढ़े। मुसलमानों को चाहिए कि दुनियावी तालीम में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करें। और कोई कहता है कि मुसलमान कहां से तरक्की करेंगे, क्यों नहीं मारे जाएंगे, इनके पास माशी, इनके हालात इतने पस्त हैं, माशी हालात बहुत पस्त है, बहुत नाजुक है, इनके देख जो झोपड़पट्टी है, फला है, ये है, वो है, गिनती के चंद टावर है, गिनती के चंद पौश इलाके हैं, बकिया तो मुसलमान जिल्लत और कहर की जिंदगी गुजार रहा है। ये सब धोखे हैं शैतान के। किसके धोखे? शैतानी धोखे हैं। वो शैतान इंसान के भी हो सकते हैं, जिन्नात के भी हो सकते हैं, लेकिन है ये वसवसे शैतानी, है वसवसे शैतानी, खन्नासी वसवसे। हमें कोई इंसान आकर के ये बातें बतलाए, कोई शैतान आकर के बतलाए, हर सूरत में मेरे भाइयों है वो खन्नास, वसवसा डालने वाला। अल्लाह बतलाता है कि तुम्हें इज्जत मिल सकती है तो ईमान से मिल सकती है। शानो शौकत, बुलंदी, ऊंचाई, गलबा, सतवत, नाम तुम्हें मिल सकता है तो किससे मिल सकता है? अंतोमीना बिल्ला। इसको सही मानों में दुनिया में मेरे भाइयों हम बरक करके दिखा दें, अल्लाह तबारक ताला अपना वादा सच करने वाला है। अल्लाह ताला अपने वादे में झूठा नहीं है। वमन अस्तकुमीन अल्लाह कीला,
ومن اصدق من الله حديثا, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात करने वाला कौन हो सकता है, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, हमारी कमी है कि हम सही मानों में ईमान वाले। ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, भाई बुजदिल होने की जरूरत नहीं है, पस्त होने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। انتم الاعلون, तुम सबसे ऊंचे रहोगे। किस शर्त के साथ? इस शर्त के साथ कि तुम ईमान वाले हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम आला रहोगे। नबी करीम ने जब पूछा गया आपसे मल ईमान या अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान बताइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुमिना बिल्ला, अल्लाह पर ईमान लाओ। नंबर एक, अल्लाह पर ईमान, यही ईमान सही नहीं है। फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर कितना भी अच्छा ईमान हो तो उस ईमान का कोई फायदा, सारे ईमान की असल है, असलू उसूल ईमान, सारे ईमान के उसूलों की असल है, सारे अरकान की जड़ है अल्लाह तबारक तआला पर ईमान। मेरे भाइयों, इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम वज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सामरी की तरफ इशारा अल्लाह तबारक तआला ने किया, जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, बहुत जल्दी अल्लाह का गजब उनके ऊपर उतरेगा। वह दिल्लत फिल हयातिद दुनिया, और क्या होगा, और दुनियावी जिंदगी में उनके ऊपर जिल्लत और रुसवाई आएगी। तो ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये पसपाई इसलिए नहीं है कि माल कम है, इसलिए नहीं कि ताकत सियासी नहीं है, इसलिए नहीं कि हमारे पास दुनिया की एजुकेशन नहीं है, इसलिए कि हमारे पास सही ईमान नहीं, हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं, हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है। सही मानों में ईमान वाले बन जाए, अल्लाह का वादा है, वला युमक्किनन लहुम दीनहुम अल्लज़ी इरतदा लहुम, अल्लाह दीन को जमा देगा, खौफ को निकाल देगा, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें ताकत और कुव्वत अता फरमा देगा दुनिया के अंदर, तुम जिल्लत से, कहर से निकल जाओगे, मकहूरियत मजबूरियत की जिंदगी नहीं गुजारोगे, बल्कि इज्जत और शान और शौकत की जिंदगी गुजारोगे। ला इज्जत लना इल्ला बिल इस्लाम, हमें इज्जत और शान और शौकत इस्लाम से मिल सकती है। व महम तगैन अल इज्जत फी गैरिही अज़ल्लना अल्लाह, हम जहां भी इस्लाम के असल इस्लाम को छोड़ करके, उससे बेगाना हो करके, उससे बेतवज्जुही करके इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह इज्जत नहीं देगा, बल्कि हमको जलील कर देगा रुसवा कर। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान का सही माना समझने की तौफीक अता फरमाए, और सही मानों में हमें उसे पढ़ने, सीखने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें उसके तकाजों पर चलकर हर तरह के जर्रे जर्रे का शिर्क, कुफ्र, निफाक और कुफ्रिया फिस्क, अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीजों से जो हमारे अकीदे तौहीद को बर्बाद करने वाले हों, उसमें खलल पैदा करने वाले हों, ऐसे एक एक जर्रे से अल्लाह तबारक व तआला हमें बचने की, तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको जिल्लत से, पसपाई से निकालकर इज्जत और शान और शौकत की जिंदगी जीने की, दुनिया में और आखिरत में जन्नत की नेमत से मालामाल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।